बताओ। मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यस। तो बाकी इंडिकेटर्स में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? बाकी इंडिकेटर्स में ऐसा क्या डिफरेंस था जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में एडवांटेज क्रिएट कर रहा था यहाँ पर? सर ये स्ट्रॉन्ग है एसिड या बेस या फिर वीक है वो? हाँ सर, कंसेंट्रेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हम बात करेंगे, क्या करेंगे, अगर हमको पता चले कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, अभी तक जो इंडिकेटर हम ले रहे थे उन इंडिकेटर से हमको ये पता चल रहा था कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है, बट ये नहीं पता चल रहा था कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ने वहां पर प्लस पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया? प्लस पॉइंट। जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया कैसे जाता है? उपचार इंडिकेटर को मिला। सर ये एक मिक्सचर है तो हम क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अपन मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। क्लियर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। सेकंड बात इसके बारे में जानेंगे तो आप नोटिस करोगे ये डिफरेंट कलर शो करेगा डिफरेंट एच प्लस की स्ट्रेंथ में, यानी जितना ज्यादा एच प्लस होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा और उतना ही डिफरेंट वो कलर शो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर इन डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, इन डिफरेंट कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता था? अमाउंट, अमाउंट ऑफ एसिड। बिल्कुल सही। तो यहां पर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एच प्लस वो ज्यादा रिलीज करेगा या कम रिलीज करेगा। अगर वो ज्यादा रिलीज कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो कम रिलीज करेगा तो वो वीक एसिड है। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस। ठीक है, एक और बात यहां पर नोट करना, सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन एच प्लस का अमाउंट डिफरेंट होगा। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस इन दी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्यों लिखा, क्योंकि एसिड को किस में मिलाना पड़ेगा एच प्लस निकालने के लिए? पानी में। हाँ, अगर पानी में नहीं मिला क्या एसिड एच प्लस देगा? नहीं, नहीं देगा, वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। अब यहाँ पर बात को करना कि जब हमारा एच प्लस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता और लो पीएच, मैं अभी समझाऊं इसके बाद, बस अब इसको लिख लो। ठीक है, एट लो पीएच जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो रेड कलर शो करेगा। कौन सा कलर शो करेगा? रेड, रेड कलर। फिर अगर पीएच बहुत ज्यादा है, हाई पीएच है, तो वहां पर वो ब्लू या फिर बॉइलिंग कलर शो करता है। ठीक है, और फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल केस में यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर शो करेगा। कैसा कलर शो करेगा? ग्रीन कलर। अभी पीएच के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो।
और पूरा टॉपिक ही पीएच स्केल पढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो और मेरे को बता देना हो जाए तो। हो गया सर वन। ओके रुक गया। बाकी सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके चला कर दे सर, बस एक मिनट। ओके सर, हो गया। हो गया? यस सर। ओके अब मैं रेज कर रहा हूँ। आज तो सेकंड नंबर पीएच स्केल। तो हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? पीएच स्केल। तो पहले तो हमको पीएच के बारे में ही जानना है सर, पीएच होता क्या है वो चीज जानते हैं, और ये कैसे हमको बताता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पर जो पी है वो स्मॉल है, कोई कैपिटल में मत लिख देना, ऐसे भी मत लिख देना, काफी सारे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। और इसका मतलब ये कैपिटल का शॉर्ट में लिख दो एच को, हमेशा पी स्मॉल में होगा और एच कैपिटल में होगा। ओके सर, ठीक है सर, ये उल्टा से ठीक है। अब मैं आप सबको बताता हूँ, आप सभी ने पढ़ा अरेनियस के बारे में, अरेनियस ने बताया था कि कौन से सब्सटेंस एसिड होते हैं, कौन से सब्सटेंस बेस होते हैं। कैसे बताया था हमने कि जो सब्सटेंस पानी में जाने पर H+ रिलीज करे, उन सब्सटेंस क्या होते हैं वो? एसिड। 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 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इसके अंदर वॉटर के अंदर इन एक्वस सॉल्यूशन,
ठीक है। अब कोई ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कोई एसिड में इसको ज्यादा रिलीज करेगा, कुछ कम रिलीज करेगा, या सभी सेम रिलीज करेंगे? ज्यादा ज्यादा अलग अलग ज्यादा कम सर, डिफरेंट एसिड प्लस अमाउंट रिलीज करेंगे, और यहाँ पर वर्ड आ गया अमाउंट, तो क्या बोलूंगा यहाँ पर, कंसेंट्रेशन वर्ड ले लू। यस, तो कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस, क्या ले सकता हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस एक्सप्रेस्ड बाय, अब कंसेंट्रेशन देखो एच प्लस है, मेरे को कंसेंट्रेशन बताना है, तो मैं इस एच प्लस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं, क्या डाल दूं, एक्सप्रेस बाय एनक्लोजिंग एच प्लस आयंस इसके अंदर इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, सिंपली वर्ड्स में बोला जाए तो सर ऐसे, सर ये लास्ट स्टेटमेंट एक और बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, मेरे को बताना कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, मुझे पता है कि एसिड एच प्लस देता है, और डिफरेंट एसिड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एच प्लस देते हैं वॉटर के अंदर, यस, तो मुझे बताना है कि उनका अमाउंट, अमाउंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा मैं, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन को बताएंगे कितना अमाउंट दे रहा है, ठीक है, तो कंसेंट्रेशन, yes. अब ये इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मेरे को क्या बता रही है कि हम किससे डील कर रहे हैं, कंसेंट्रेशन से डील कर रहे हैं, यानी कितना एच प्लस अमाउंट रिलीज होगा, ओके, क्लियर, ये कंसेंट्रेशन बता रहे हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें जो कंसेंट्रेशन होगा एच प्लस का वो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा सर, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा यानी ग्रेटर दी एच प्लस आयंस, यानी कंसेंट्रेशन उसकी ज्यादा होगी, और वीक के केस में क्या होगा, वीक एसिड के केस में लेसर, तो उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो क्या रहेगी, कम रहेगी वीक एसिड में, यस और नो, यस सर, यहां तो समझ में आया, तो अगर यहां तक समझ में आ गया तो अगर आप नोटिस करोगे पीएच का मतलब भी जानो, यहां पर जो पी वर्ड है, जो स्मॉल पी है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है पोटेंस, किस वर्ड से लिया गया है, पोटेंस, और सर पोटेंस का मतलब क्या होता है सर, स्ट्रेंथ पावर, पावर किसकी, पावर यहां पर किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यस, उसके अंदर ज्यादा एच प्लस होंगे, और ज्यादा एच प्लस होंगे तो उसकी पावर ज्यादा होगी, और यहां पर एच इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर, यस, ठीक है। अब ये जो पावर है ये हमको एक नंबर देती है, क्या देती है, नंबर, तो वो जो नंबर होता है उन्होंने बताया कि ये जो नंबर होगा पीएच वैल्यू बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यू, हाँ बिल्कुल, वॉटर के अंदर की बात कर रहे हैं, वॉटर के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो पीएच वैल्यू है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगी सर, लेस होगी,
एस वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। क्या तो बस समझे? यस सर। तो अब हमारे पास दो टर्म्स आ गए, एक आ गया पीएच वैल्यू, दूसरा टर्म आ गया हमारे पास क्या, कंसंट्रेशन। तो अगर आप नोटिस करोगे जब पीएच वैल्यू कम होती है तो जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, राइट? यस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। यस बिल्कुल, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू घटेगी, घटेगी। अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी। सबको समझ में है पीएच की वैल्यू से? यस सर। यस सर। तो भी हमने पढ़ा कंक्लूजन यही है। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको एक बार ठीक है जाके हम नोट करो। अब ये बीच में कैसे साइन रखा है, प्रोपोर्शनलिटी का। अब मुझे इसको हटाना है, क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हटाने को हटाने के लिए फिर मैं मैथमेटिक टूल का यूज करूंगा मैथ्स में। अब थोड़ा सा मैथ पे आएंगे, तो मैथमेटिक टूल होता है लॉगरिथम। क्या क्या होता है, क्या लॉगरिथम? लॉग 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 लॉगरिथम। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो यहां पर आ जाएगा क्या, पीएच इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 बाय एच प्लस, यस और नो? और एक बात हमेशा याद रखना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई डिवाइड में है उसको ऊपर लेके आए तो उसके साथ में कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। क्या जाएगा, नेगेटिव। व्हिच मींस अगर मैं यहां पर कोई लिख रहा हूं, लेट्स अज्यूम लॉग 1 बाय ए, क्या हो गया लॉग 1 बाय ए, ठीक है। अगर मैं इस ए को ऊपर लेके जाऊं तो क्या लिखूंगा, माइनस लॉग ए के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एच पे डिपेंड कर रहा है। तो इस एच को ऊपर लेके जाऊं तो क्या आएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। तो यानी पीएच की वैल्यू क्या हो गई, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, बोल सकते हैं। बस यही हमारा पीएच होता है। wow. पीएच होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। बिल्कुल सही, सबको डेफिनेशन क्लियर हुई पीएच की? यस सर। यस सर। सबको समझ में कहां से कैसे आया? जी यस सर। यस सर। फटाफट नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बात करते हैं। सर पोटेंस लैटिन वर्ड है कि ग्रीक? पोटेंस लैटिन वर्ड है, चेक कर लेता हूं लैटिन है ग्रीक है। Thank you.
हो गया? नो सर। सर पीएच वैल्यू को क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे यहाँ पर? नो सर। सर पीएच वैल्यू को क्या लिखेंगे या बोलेंगे डेफिनेशन? अगर सिंपल पीएच ओके पीएच वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, व्हाट इज द पीएच वैल्यू? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल एच प्लस का अमाउंट पर इंक्रीज करेगा तो पीएच का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज। हाँ सर। ये वाला पार्ट हो गया। सिमिलर चीज ये बेस के अंदर भी आ जाएगी। अब बेस में क्या रिलीज होता था? OH- आयंस। तो वहां पर कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी OH की? H की जगह पे OH- इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। वाओ। तो फिर स्ट्रांग बेस द ग्रेटर द OH- बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो ठीक हो जाएगा। बट आगे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पहले बेस के अंदर भी हम पीएच ही निकालते हैं। हो जाए तो बता देना किस किस का रह गया। अदिति, अमन, अंशुल, अनुज, अनुप्रिया, क्या होता है सर? बेस का रिलीज करते हैं OH- माइनस आयन। OH- माइनस आयन। फिर हम बात करेंगे किसकी? कंसेंट्रेशन ऑफ OH- minus है। OH- minus है। OH- minus आयंस को एनक्लोज किया जाएगा इसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और कैसे लिखा जाएगा? अब यहां पर किसकी बात चलेगी? बेस। तो क्या देगा ग्रेटर अमाउंट में? OH- minus आयन। ठीक है, और वीक बेस क्या देगा? लेस OH। या तो समझ रहे सभी को? यस। यहां पर हम बात करेंगे किसकी? अभी तक हम बात कर रहे थे पावर ऑफ एच प्लस आयन की। बेस के केस में हम बात करेंगे पावर ऑफ किसके आयन की? OH माइनस PaOH। ठीक है ओके। अरे अरे आता क्लियर हुआ? यस सर। सर एक बार
हाँ ठीक है सारा सेम ही है बस एच की जगह पे ओएच लिखते जा रहे हैं। हाँ हाँ सर आ गया। तो सिंपली मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं पी ओ एच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस आयन। यस लिख लो इसको सर पर सर पर पोटेंस का मीनिंग तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा ना हाइड्रोजन आयन पोटेंस का मतलब पावर होता है पीएच का मतलब पावर होता है अच्छा ओके ठीक है वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके क्लियर तो सर फिर ये पीओएच स्केल होगा नहीं पीओएच का अभी रीजन भी बताऊंगा अभी तो एक क्लास और लगेगी इसके ऊपर सर दोनों जोड़ दोगे आपस में सर सर नेक्स्ट क्लास में ये आप फिर से रिवाइज करा दो पीएच प्लस पीओएच कसम 14 होता है अरे यार